केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अपराजिता षडंगी कहिले कि परिक्रमा प्रोजेक्ट रे 4200 कोटी टंका खर्च होई, किंतु जो आम कहलु कि आमर 325 कोटी टंका खर्च होई, आपण को बेसिस तथ्य कहते सेटा आम सामने आणिक रखत तापुटु लुचिले। पॉलिटिकल टूरिस्ट हिसाब से आसी जो टूरिस्ट माने जो भाव से ही समय क्षणिक मुहूर्त जहाँ कही था ठीक से भाव में ये आसी मिथ्या परेषण कर। नमस्कार, आपण मैने जानती कि आम ये निर्वाचन समय रे बहुत पॉलिटिकल टूरिस्ट को आम राज्य को आसवाक देखा मिलू, से मैंने आसी विभिन्न कथा कहते तथाकथित विराट विराट जनसमावेश रे विराट विराट मिथ्या मध्य कहते अपप्रचार मध्य कहते खाली मिथ्या कि जाशु अपप्रचार कर विषय आज आम आपन को अवगत कराइबु। गोटे विषय सेटा हला कि ओडिशा तमिलनाडु को बेसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करुछि कम पैसा रे देउछि, ए विषय भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व मध्य आसी जनसभा रे कहि सारछन्ति। ए जो विषय से माने कहउछन्ति आ कही आसी से मानकर अज्ञानतार परिचय ना सबु जाशु मिछ कौंट से ओडिशावासी ही जापर आज ये प्रेस वार्ता पर से कहले तीनोटी विषय कि ओडिशा तमिलनाडु को पावर बिकुची, द्वितीय कथा कहले कि अल्प कम पैसा रे बिकुची, आउ तृतीय कथा कहले कि बेसी पावर बिकुची ओडिशा रे दरकार किंतु बेसी पावर तीनोटी विषय रे कहले। ए तीनोटी विषय रे मु आज आपन को अवगत करिया पे चाहूँ। प्रथम विषय हला कि ओडिशा तमिलनाडु कहीं कि कौनसी राज्य को डायरेक्टली निजे पावर सप्लाय करी पारिबो नाही, कहीं जहाँ बड़का पावर हैला सेटा नेशनल ग्रिड रे ही पड़ो, नेशनल ग्रिड रू सेटा पावर डिफरेंट स्टेट को सप्लाय करा जिवो, आउ नेशनल ग्रिड केते पावर सप्लाय करी पारिबो सेटा ओडिशा सरकार हाथ में मध्य नाही। सेटा होची सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन जो भाव में आपण मैंने जानते ओडिशा रे आमर ओईआरसी अच्छी ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन पावर सेक्टर रिफॉर्म हेला सरकार हाथ में बेसी किछि नै, रेगुलेटरी कमिशन सब डिसाइड करती टैरिफ केते प्राइस रे किणा हबो पावर केते क्वांटम रे करा हबो से सब गोटे रेगुलेटर करे। स्टेट रे जो भाव में रेगुलेटरी कमिशन अच्छा प्राइवेट प्लेयर टू पावर परचेज एग्रीमेंट मध्यम रे पावर किणवापी किंबा कॉस्ट टैरिफ फिक्सेशन करने भाव में केन्द्र सरकार लेवल रे गोटे सेंट्रल रेगुलेटरी कमिशन अच्छी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन अच्छी। से इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन जितेबले ग्रिड को पलैगला पावर को एनटीपीसी तार ग्रिड को देला को स्टेट को केते पावर दिया हबो सेटा से माने डिसाइड करथांती, से माने निश्चित करथांती। द्वितीय जो प्रसंगटा उठा जाइतला कि ओडिशा कम पैसा रे दउछ, एटारे पुंथरे कहि रखिया पई चाहे आमे समस्त जानिचे कि जेतेबेले गोटे टैरिफ हियरिंग हुए सेटा कोठी हुए ओडिशा रे टैरिफ हियरिंग हुए ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन सम्मुखरे। ठीक से भली भाबरे जो कौ पैसा कौ रेट रे केते पैसा रे पावर सप्लाय करा जिवो कौ स्टेट को सेटा मध्य सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ही तैयारी करता है डिसाइड करता है। तृतीय रे कहा को केते दिया जिवो गोटे प्रसंग उठाइले कि बेसी दे दौंट क्या केते दिया जिवो सेटा मध्य सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन डिसाइड करता है। ये संस्था आपण जानपरथे केन्द्र सरकार इनडायरेक्ट किंबा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमस बॉडी हिसाब से कार्य करता है, राज्य सरकार एनसी रोल मध्य ना मुझे विषय आहरी कहना चाहिए कि आम ए विषय
गोटे तथ्य देउछि आमर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी एनटीपीसी तालचेर वन एंड टू और दालीपली जो आमर टोटल 4600 मेगावाट पावर प्रोड्यूस हुए 4600 मेगावाट पावर रु ओडिशा को मिले मुझे कहली प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन तंकर ओडिशा को मिलुची 1358 4600 अगेंस्ट रे मिलुची 1358 मेगावाट बाकी जो पावर रहिला इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन सेमानंकर हिसाब रे अन्य स्टेट को बांटिछंती बिहार को 729 मेगावाट तमिलनाडु 500 मेगावाट वेस्ट बंगाल 370 मेगावाट झारखंड 218 केरल 430 कर्नाटक 390 तेलंगाना 215 गुजरात आंध्र प्रदेश ए समस्त को मिलिछ तेणु ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर सी ही डिसाइड करे किए केते पावर पाइबो और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन से डिसाइड करे कि केते रेट रे से मानंकु पावर दिया जिवो एथिरे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो कोनोसी रोल ना एथुरु आपण जानि पारथुबे कि किभली भाव रे मिथ्या परिवेषण करा जाउची आउ मिथ्या परिवेषण केवल गोटे छोटो प्रेस मीट रे नुह तथा कथित विराट जनसमावेश रे बहुत शीर्ष नेतृत्व आसी कहउचंती जो माने कि केन्द्र सरकारंकर पाखरे मंत्री रही मंत्री अच्छा से जानते आर परिस्थिति कौन एक्जाक्ट तेणु मत लगुच आम को लगुच कि यहाँ जाणीशु से ओडावासी को अपप्रचार मिथ्या परेषण पॉलिटिकल टूरिस्ट हिसाब से आसी जो टूरिस्ट माने जो भाव से ही समय क्षणिक मुहूर्त जहाँ कही था ठीक से भाव ये आसी मिथ्या परेषण कर विषय आहरी गोटे कहवाप चाहिए कि आमे किभली भाव रे ओडिशा को मु कहली 4600 1358 मेगावाट मिलुची आहुरी अधिक किभली मिलिबो सेति पई कोन प्रयास करा जायछि मु आपन को गोटे चिट्ठी देखैबी 16 डिसेंबर 2022 रे हमरो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अछंती निकुंज बिहारी धळ थिले से सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर को लेखुचंती गोटे चिट्ठी आ से चिट्ठी लिखिंटी इन द मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 कंक्लूडेड रिसेंटली द स्टेट हैज रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इंटेंट ऑफ मोर देन 10 लाख करोड़ रुपीज द ऑनगोइंग एंड अपकमिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स नीड थर्मल पावर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस दस लीडिंग टू सब्सटैनसील इनक्रीज इन डिमांड कहीं से करमक आहरी अधिक पावर दि जाऊ कहीं आमर परेश खराब होमर ही डिस्प्लेसमेंट करमर ही लोक मैंने जो बैड इफेक्ट ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन हला सेटा मध्य फेस करछंती से लिखुचंती सिंस द पीट हेड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट जेहेतु जो प्रोजेक्टा होटा ओडिशा रे होची द स्टेट वुड बियर द एडवर्स एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हेंस ओडिशाज डिमांड शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर द डिमांड्स ऑफ अदर स्टेट्स खाली ये नु पुणी थे 20/11/2023 आमर प्रिंसिपल सेक्रेटरी विशाल देव से लिखिले योर काइंड कंसीडरेशन इज रिक्वेस्टेड टू एलोकेट 800 मेगावाट फ्रॉम एनएलसीआईएल तलबीरा प्रोजेक्ट टू द स्टेट ऑफ ओडिशा एत सत्वे लिखा करने सत्वे केन्द्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ पावर शुणिला ना आज आपण मैंने देखी जहाँ पावर सरप्लस थिला सेटा अलग स्टेट को बांटिले को केते रेट रे टैरिफ सेटा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ठीक करला तेणु ये जो तथ्य कह जाऊँ कि चारिड़े कि ओडिशा सरकार डायरेक्टली पावर बिकिदेले कौन सी गोटे स्टेट को तमिलनाडु छाड़ू कौन सी स्टेट को करे ना एवं मुझ गोटे तथ्य आपने सामने रखापी चाहिए सेटा हला कि गोटे कह सेटा पुंथरे कहगला कि ओडिशा रे टैरिफ जेहेतु आम देदेचु तेणु आमर बहुत टैरिफ अधिक अच्छे मुझे रखिली कि टैरिफ फिक्सेशन टा स्टेट गवर्नमेंट रो काम नुह सेटा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन सबू स्टेट रे तेणु ओईआरसी हूँ टैरिफ फिक्सेशन करे टैरिफ फिक्सेशन किभली भाव करे किया करा जाए कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ जेनरेशन पावर टा प्रोड्यूस करने जी दरकार पैसा तापर ट्रांसमिशन से जीव अलग स्टेट को कि अलग आमर ये भितर राज्य भितर
तापर गोटे है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तेणु कॉस्ट प्लस बेसिस रे रेट फिक्स करा जाए ना से रेट गुड़ाक आम टे आपने रखापी चाहिए जदि आम रिटेल टैरिफ सबू राज्यर 2023-24 नेबा जो थे कि स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी को आम इनक्लूड न करी पूरा र कॉस्ट आम कौन डोमेस्टिक जदि धरवा 3 kW 100 यूनिट पर मंथ रे ओडिशार रेट 4.62 टका यूपी रे रेट 9.80 टका गुजरात रो रेट 6.17 टका 3 kW 500 यूनिट पर मंथ डोमेस्टिक 5.42 टका ओडिशा यूपी रो रेट 6.71 टका गुजरात रो रेट 7.19 टका मु बाकी स्टेट आसाम पंजाब राजस्थान बिहार वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र कथा कौनी स्टेटमेंट आपको देदेवि एथिरो आपण देखि परिबे ओडिशा रो होची लोएस्ट रिटेल पावर रेट कमर्शियल कथा देखिवा नॉन डोमेस्टिक 5 kW 500 यूनिट्स पर मंथ 7.32 टका ओडिशा केते होची यूपी रे ओडिशा 7.32 टका यूपी 12 टका गुजरात 7.49 टका एग्रीकल्चर आम कही आमर एवं जो सद्य मैनिफेस्टो 2024 रिलीज करागला काली मु आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विषय कही कि ओडिशार कृषक मानी एवं पावर बिजुली संपूर्ण रूपे मागणा कौनसी पावर कौनसी पैसा देवाई पड़े ना एबे किंतु कौन रेट थिला सेटा सरकार आसलापर आम से जेटा प्रथम माननीय मुख्यमंत्री कहते कि प्रथम गोटे डिसीजन हम कि ओडिशावासी को किभली भाव में मागणा बिजुली दिजिव से फाइल टी प्रथम सैन करेंगे मैनिफेस्टोर प्रथम ग्यारंटीटा से दिन कर किभली भाव में ओडिशार जनसाधारण को आउ पैसा देवाई पड़ब ना एवं मु किसी समय आगु गोटे प्रेस वार्ता बीजेपी भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन करते कि आज्ञा मीटर उठे दिंतु जाणि रखा उचित प्रथम कथा कि मैनिफेस्टो जितेबले कहुए इलेक्शन चली सांगे सांगे से कामटा करा जाए ना मैनिफेस्टो सर सरकार आसला करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कथा कम काम बेसी विश्वास करती किंतु यह जाणि रखा उचित कि मीटरटा बाहर कर दि जाए ना कौन कराए कहीं जो पैसाटा मगणारे कृषक मानक हुआ कृषक मानक हो किंबा जो ओडिशावासी को दिजिव से ही पैसार भरणा जो कंपनी थी ताको बजेट रु दिया जिवो तेणु गोटे मीटर रो आवश्यकता अच्छी तेणु टेक्निकल विषय न जानी ता विषय आसी प्रेस रे आपन को गुमराह करबा पई ओडिशा वासी को गुमराह करबा पई केते धर्तव्य सेटा आपन माने बुझी पड़ुथबे न जानी किंबा जानी सुनी अपप्रचार करबा एबे भारतीय जनता पार्टी रो गोटे क्यारेक्टर चरित्र भइगलाणी प्रतिदिन से कथा करछंती एबे मु एग्रीकल्चर विषय रे कहूची आजिरो रेट रे जदि ओडिशा रो रेट देखा जिवो 1.61 टका 7.5 kW 15% लोड फैक्टर 817 यूनिट्स पर मंथ 1.61 टका यूपी रे केते एग्रीकल्चर कृषक पई भारतीय जनता पार्टी हृदय कांदुची 2.86 टका गुजरात रे केते 3.48 टका आमटू प्राय हाराहारी 3 गुणा तापर आसीबा इंडस्ट्रियल क्षेत्र छोटो स्मॉल इंडस्ट्रियल आमर रेट 6.47 टका उत्तर प्रदेश रेट 9.39 टका गुजरात रेट 7.78 टका मीडियम इंडस्ट्रियल आमर 6.57 टका यूपी रे 8.62 टका गुजरात 7.79 टका 7.89 बड़ इंडस्ट्रियल हाउस 6.62 टका उत्तर प्रदेश 7.92 टका गुजरात 7.66 टका तेणु आप देखिए प्रत्येक कैटेगोरी रे ओडिशा रे जो पावर रेट ओडिशावासी दौंती से माने रिटेल पावर घरोई पावर होती घरे जो माने दौंती डोमेस्टिक पावर यूजर्स किंबा इंडस्ट्री छोटो बड़ इंडस्ट्री ओडिशा भारत बर्षर सब इमर्जिंग स्टेट भितर वन ऑफ इज दि लोएस्ट सबुठू कम आईपाई आपने जापड़े कि कहीं एते इंडस्ट्रियल हाउस एते मैन्युफैक्चरिंग जो माने करिवा पई कंपनी माने ओडिशा को सुओ छुटीची सेहिति पई ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट बढ़ुची सेहिति पई इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल मध्ये ओडिशा रे बढ़ुची केवल एटा स्मार्ट मैनेजमेंट एबे सेसरे मु कहिवा पई चाहिबी कि ए जो मिथ्या अपप्रचार चालीची एटा एबे
यही केवल इलेक्ट्रिसिटी उपरे थरे कही चली गले सेटा नुहे आपण माने जानी रखिबा उचित आमे ए विषय रे आगुरु गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करथिलु कि किभली भावरे केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं सांसद अपराजिता षडंगी श्रीमंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट विषय रे मिछ कहिले से माने कहिले गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि आमे तकु केबे अपोज करि नथलु आमे तो सपोर्ट करथिलु एटारु अधिक मिथ्या कोन हेई पारे आमे समस्त ओडिशावासी देखिछन्ती जानिछन्ती कि किभली भावरे से माने परिक्रमा प्रोजेक्ट को अपोज कले परिक्रमा प्रोजेक्ट को खाली अपोज ओडिशा भितर नुहे सुप्रीम कोर्ट जाय नेले नामी दामी वकिल को लगेले मध्य किंतु प्रभु जगन्नाथ चाहिले कि तांकर परिक्रम प्रोजेक्ट हो नवीन बाबू आ ओडिशावासी को उपरे महाप्रभु को अगाढ़ जो ये अच्छी आमर ब्लेसिंग अच्छी प्रभु जगन्नाथकर ओडिशावासी तांकर हृदय अच्छा जगन्नाथ होउछंती प्रभु जगन्नाथ होउछंती ओडिशावासी परिचय तेणु सेथिपाई से सबू फेल मारला जितने सबू फेल मारा एवं गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी दिन तेज़े कहले आम तो सपोर्ट करूँ ए विषय आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब तीन चार दिन तेज़े कही भाव केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अपराजिता षडंगी कहले कि परिक्रमा प्रोजेक्ट में 4200 कोटी टंका खर्च होते आम कहलु कि आमर 325 कोटी टंका खर्च हो बेसीस तथ्य कहते से आम सामने आणिक रखत लुचिले तेणु यापे कि भारतीय जनता पार्टी केवल ओडिशार बीजेपी नुहे केन्द्र बीजेपी मध्य मैनिफेस्टोरे आर कथा कहवे एभली भाव ओडिशावासी को गोटे मिथ्या ठक परेषण करुंतर डॉक्यूमेंट्रे कहवे से ओडिशावासी जाणी रखा उचित कि ये जो पॉलिटिकल टूरिस्ट मैंने आसुचंती सेमानंकर धर्म हैला केवल ये भलिया मिथ्या कही किसी समय पर लोकं भुआ बुलाई चेष्टा करिबा और भाबिबे कि ओडिशावासी सबुदिन भुआ बुली गले किंतु ओडिशावासी मूर्ख नुहंती ओडिशावासी 25 वर्ष हैला माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को देखिछंती से नवीन पटनायक किभली भावरे तांको संगे रही दुख दुर्दशा से कथा मध्य देखिछंती आई पांच थर पर आशीर्वाद देखती छह थर आशीर्वाद देबे आ 9 तारिख से नुआ षष्ठ थर सरकार तैयारी हेबो मु भारतीय जनता पार्टी नेता मानक रखापी चाहे कि मिथ्या को हजार थर कहले सत्य हबार ना धन्यवाद।